आलचक मैं आ गया, आलचक मैं आ गया, आलचक। दोस्तों वेलकम, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज का भी मैच का प्रेडिक्शन बहुत ही बढ़िया गया। हमने प्रेडिक्ट किया था कि आज का मैच चेन्नई जीत के लेके जाएगी, और प्लेसेस को हमने बोला था कि कैप्टन बनाइए और एंड्रे रसेल को वाइस कैप्टन, और दोनों ने बहुत ही बढ़िया खेला। और हमने बात भी करी थी कलकत्ता के ओपनिंग पेयर की, मेरे को उम्मीद थी कि आज चले, बट अनफॉर्चुनेटली जैसा हमने बोला कि उनका ओपनिंग पेयर बहुत ही बुरे हालातों से गुजर रहा है, और आज भी वही हुआ। अब बात करते हैं कल के आने वाले मैच की, जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। अभी उस मैच के अंदर सबसे बड़ी बात है कि मैच होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम, जो छोटा ग्राउंड है, और अब इस छोटे ग्राउंड में दोनों टीम के पास बहुत बड़े हीटर्स हैं जहाँ पे। लेकिन राजस्थान के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक बार तो लगा था कि वो 200 रन भी चेस कर लेंगे, लेकिन जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि वो अकेले संजू सैमसन ही खेलने की कोशिश कर रहे थे, और उनको लगा था कि वो जीत के लेके चले जाएंगे। बट जब टीम जीतती है तो 99% केसेस में टीम एफर्ट होता है, अकेले सिंगल बंदे का नहीं। तो क्विकली बात करता है कल के मैच के बारे में, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल। तो मेरे को लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अंदर कल के मैच में अगेन ग्लेन मैक्सवेल, एबीडी विलियर्स और कहीं ना कहीं फिन एलन जैसे बंदा खेलने का वो करेगा, बिकॉज फिन एलन बहुत बड़े हीटर है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये तीनों आएंगे और कल के मैच में अच्छा खेलेंगे। बॉलर्स की बात करें तो हर्षल पटेल एंड युजवेंद्र चाहल और वाशिंगटन सुंदर, ये मेरे को लगता है कि बेंगलोर की तरफ से अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं राजस्थान रॉयल की, तो मेरे को लगता है कि कल के मैच में राजस्थान का सबसे बड़ा उभरता हुआ प्लेयर रहेगा तेवतिया। हाँ जी, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि मैच भले ही राजस्थान फर्स्ट बैटिंग करे या सेकंड बैटिंग करे, अगर तेवतिया को नीचे बैटिंग का मौका मिलेगा तो ये पिच उनके अनुकूल है, छोटा पिच है, और वो आराम से लंबे हिट लगा सकते हैं। बटलर अगेन, बटलर और सैमसन, मेरे को लगता है कि वो भी अच्छा खेलेंगे। बॉलर्स की बात करें तो कल मेरे को रहमान से ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं, और ना ही मेरे को उनदकट से है। बॉलर्स में बात करें तो मेरे को राजस्थान में से मेरे को लगता है कि चेतन सकारिया और राहुल तेवतिया और रियान पराग जैसे बॉलर्स को मेरे को अच्छा लगेगा। अगर मेरे को पूछा जाए कि मैं कैप्टन कल किसको बनाने का वो करूँगा, तो मैं कैप्टन कल एबीडी विलियर्स को बोलूँगा, क्योंकि स्लो डाउन पिच है, एबी कीपर कैच जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और वाइस कैप्टन मेरे को लगता है मैं बटलर या संजू सैमसन दोनों में से किसी एक को पकड़ूंगा। 90% मेरे को संजू सैमसन लगता है। मेरा प्रेडिक्शन बोलता है अगेन कि कल का मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर शायद जीत जाए, दोनों टीम अच्छी खेल रही है, मैच होना चाहिए 175-180 के स्कोर के आसपास का। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, गुड नाइट।